Hola amigos, this is Usman and welcome to my YouTube channel. इस वक्त मैं रितिक अली बेस कैंप में मौजूद हूँ। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:30, और हमने रितिक अली झील जो है वो हमने कल शाम को कर ली थी। इस वक्त हमारा प्रोग्राम है कि हम हंसराज लेक जो इसी रूट पे इसी ट्रैक पर वाक़ हम वो कवर कर लें। उसको करने के लिए एक ये छोटी सी एक्सट्रीम है, ये पानी आ रहा है रितिक अली झील से, इसको हम क्रॉस करके आगे अपने ट्रैक को कंटिन्यू करेंगे। ये पानी भी आप देख रहे हैं, ये रितिक अली झील से ही आ रहा है, जो नीचे की तरफ दवारिया की तरफ नीलम रिवर जो है उसमें जाके कंट्रीब्यूट करता है। इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन ट्रैक जुलाई 2022 में यहाँ पे इस तरह के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। जगह जगह से आपको पानी की स्ट्रीम्स नज़र आएगी जो पहाड़ों की तरफ से निकल के नीचे आ रही होती है। और जैसे ही आप सफ़र कंटिन्यू करते हैं, द ब्यूटीफुल व्यूज आर ऑन योर वे। आप देख सकते हैं कि पानी भी साथ बह रहा है, लश ग्रीन मेडोज आपको नज़र आ रही है और स्काई टावरिंग माउंटेन्स भी ट्रैक में नज़र आ रहे होते हैं। रितिक अली झील का जो फासला है वो अबाउट 1 आवर है, और फिर वहाँ से रितिक अली बेस कैंप से अभी जो हम जा रहे हैं हंसराज लेक की तरफ, इसका फासला अब तकरीबन 2 से 3 घंटे, 2 to 3 hours का ये ट्रैक है। नॉर्मल ट्रैक है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आराम से बंदा जा सकता है। और हंसराज लेक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको लोग काफ़ी कम मिलेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल सीरीन माहौल, पीसफुल माहौल यहाँ पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रितिक अली झील और रितिक अली बेस कैंप। अभी हम रास्ते में थे कि हमें लोकल शेपर्ड रास्ते में मिले, जिन्होंने शीप्स, गोट्स, बेड़े वगैरह पाल रखी हुई है यहाँ पे। देन दे इनवाइटेड अस टू हैव अ कप ऑफ टी इन देयर हर्ट एंड वी कुडंट रिजिस्ट, हमने नहीं किया, हम सीधा पहुँचे उनके हट में। उन्होंने ताज़े दूध से हमें चाय बना के दी, चाय हमने पी। इनका जो हट था वो थोड़ी सी हाइट पे था, हमने थोड़ी सी कैले क्लाइंबिंग की और उन हाइट्स से आप फिर नज़ारे देख ले, काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं। हम ज़रा सी हाइट पे थे तो इस वजह से जो व्यूज़ है दे आर माइंड ब्लोइंग, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और फाइनली रितिक अली बेस कैंप से 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे हंसराज लेक की तरफ। इंतहाई खूबसूरत लेक, मैंने रितिक अली पे इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने हंसराज लेक पे एंजॉय किया है। आप भी एंजॉय करें व्यूज़ देखें, मैं कुछ ड्रोन शॉट्स बना के लगाता हूँ, आप एंजॉय करें एंड फिर उसके बाद अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं।
हंसराज झील देखने के बाद हमने अपना ट्रैक कालासर झील की तरफ कंटिन्यू किया। कालासर झील के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड गुड बाय।